फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। हमें एक कमेंट बहुत ज्यादा बार आ रहा है, बार बार एक कमेंट हमें ये कर रहा है कि हमारा लैपटॉप ऑन तो हो जाता है पर उसमें डिस्प्ले नहीं आता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं और इसको हम फिक्स कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप में होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाते रहेंगे जिससे आपको मदद मिले। तो यदि आपके लैपटॉप में भी इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसमें आपका ऑन तो हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, इस प्रकार की यदि समस्या आ रही है तो आप हमें एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भेजें, उसका हम जितना संभव हो सकेंगे आपको रिप्लाई करेंगे। और हमें कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं और हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको इस तरह की समस्या जो आती है हम उनका आपको सॉल्यूशन देते रहें। अब हम लैपटॉप ऑन करते हैं और लैपटॉप ऑन करते ही हमारे लैपटॉप में फैन और हार्ड डिस्क की चलने की आवाज आ रही है, आप देखोगे, पर डिस्प्ले पर कुछ नहीं आ रहा है। तो इसको हम कैसे फिक्स करते हैं ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। फर्स्ट स्टेप इसका जो होता है, हमें लैपटॉप को रिसेट करना होता है। लैपटॉप कैसे रिसेट करते हैं वो हम आपको बताते हैं। स्टेप 1, रिसेट द लैपटॉप। अधिकतर आप लोगों को नहीं पता होगा कि लैपटॉप को कैसे रिसेट करते हैं। और यदि आपको आपने पहले लैपटॉप रिसेट किया है और आपको पता है कि लैपटॉप कैसे रिसेट करते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, अदरवाइज हम आपको तो बता ही रहे हैं कि कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पावर बटन को दबाकर रखेंगे जब तक कि हमारी मशीन बंद ना हो जाए। इसको हम 15 सेकंड जितने भी टाइम में ये बंद होगी बंद करके रखेंगे। फिर हम अपने चार्जर को अनप्लग करेंगे और हमें बैटरी भी अनप्लग करनी पड़ेगी। जब तक हमारी बैटरी ना हट जाए तब तक लैपटॉप रिसेट नहीं हो पाएगा। कुछ मॉडल्स में बैटरी बाहर से होती है, जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा दे रहा हूँ। इस मॉडल में आप देखोगे बैटरी बाहर से है, हमें इसकी बैटरी हटाने में कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से हटाएंगे तो हमारी बैटरी अलग हो जाएगी, रिसेट हो जाएगी, इसमें से बाहर निकल जाएगी। उसके लिए रिसेट करने के लिए लैपटॉप को बैटरी हटानी बहुत जरूरी है। दूसरा एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ, किस मॉडल में बैटरी अंदर होती है, जैसा इस मॉडल में, इसमें इसका भी इजी है। कुछ मॉडल में स्क्रू खोल के बैटरी निकलती है बाहर, तो इसकी बैटरी अंदर लगी हुई है। तो उसका दूसरा स्टेप है कि हमारा हम इसकी बैटरी को बाहर निकालेंगे। ये बैटरी बाहर निकल गई है। उसके बाद हम लैपटॉप को चार्जर को दोबारा कनेक्ट करेंगे। चार्जर को कनेक्ट करने से पहले हमें, चार्जर कनेक्ट करने के बाद लैपटॉप के जो ऑन ऑफ का स्विच होता है उसको 15 सेकंड प्रेस करके रखना है। बैटरी को नहीं लगाना है, फिर उसके बाद दोबारा हम ऑन ऑफ, तो हमारी मशीन ऑन हो जाएगी। उसके बाद यदि इसमें डिस्प्ले आ जाता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि आपको ये किसी और को भी वो हो जाए। अदरवाइज नहीं आता है डिस्प्ले इस स्टेप के बाद तो आप हम दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे, वो हम आपको बताते हैं कैसे। जैसा कि अब नहीं आए तो दूसरा स्टेप हम फॉलो करेंगे। जैसा कि आपने फर्स्ट स्टेप में देखा कि हमारे लैपटॉप में डिस्प्ले नहीं आया है, तो हम दूसरा स्टेप फॉलो करते हैं। और दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप होता है कि हम सेकेंडरी मॉनिटर पे लगा के देखें हमारा डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा। एक्सटर्नल मॉनिटर पे हम लगा के देखेंगे। उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल मॉनिटर चाहिए, वीजीए केबल के थ्रू या एचडीएमआई केबल के थ्रू भी ये आती है। तो उसको आपको जो भी आपके लैपटॉप में पोर्ट होगा, जैसा वीजीए का पोर्ट है तो वीजीए वाली केबल वाली या वीजीए वाली स्क्रीन, या आपके इसमें एचडीएमआई का पोर्ट है, कुछ लैपटॉप में एचडीएमआई का भी पोर्ट आता है, तो हमें एचडीएमआई वाली केबल या एचडीएमआई कनेक्टर के थ्रू हम इसमें लगा सकते हैं। तो हमारा वीजीए का है तो हम अब लगा के देखते हैं कि हमारा वीजीए के थ्रू एक्सटर्नल पे आ रहा है, डिस्प्ले बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, तो वो हम आपको दिखाते हैं। अभी आप मॉनिटर देखोगे, हमारे पास दूसरा एक जो मॉनिटर है ओके कंडीशन में मॉनिटर है, ऑन हो रहा है, डिस्प्ले वगैरह इसमें सब आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा मॉनिटर तो ओके है ना। तो आप देखोगे हमारा मॉनिटर ओके है। अब हम कनेक्ट करते हैं इसको वीजीए के थ्रू अपनी केबल को। ये हमने कनेक्ट कर लिया है एक्सटर्नल डिस्प्ले पे लगाने के लिए। और एक्सटर्नल डिस्प्ले पे लगा के हमारा डिस्प्ले कैसे आता है वो हम आपको दिखाते हैं। उसके लिए ऑप्शन होता है, जैसा कि यहाँ पे एक मॉनिटर टाइप कीबोर्ड पे कहीं पे भी आपको दिखेगा कि मॉनिटर टाइप बना होता है कि एक्सटर्नल डिस्प्ले के लिए। एक इसमें लोगो अलग से आपको कीबोर्ड के साथ दिखेगा, वो FN फंक्शन 4 के साथ, F4 भी हो सकता है, F5 भी, अलग अलग मॉडल में अलग अलग उसमें होते हैं। तो हम HP लाइटबुक की यदि बात कर रहे हैं तो उसमें ये यहाँ पे आ रहा है। अब हम लगा के ऑन करते हैं कि हमारा डिस्प्ले आता है नहीं। ऑन करके हम F4 फंक्शन के साथ F4 प्रेस करेंगे
तभी हमारा एक्सटर्नल पे डिस्प्ले आएगा, जब इंटरनल पे नहीं आता है तो। F4 हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा डिस्प्ले नहीं बन रहा है, एक्सटर्नल मॉनिटर पे भी डिस्प्ले हमारा नहीं आ पा रहा है। तो अब हम इसका थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे, अभी भी नहीं डिस्प्ले बन पा रहा है हमारा सेकंड स्टेप में भी। तो थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है हमारा आता है मदरबोर्ड पे कि हमारी या फिर मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है यदि ऐसे डिस्प्ले भी ऐसे भी नहीं आ रहा है। तो अब हमें लैपटॉप को खोल के मदरबोर्ड, थर्ड स्टेप ये होता है लास्ट वाला, मदरबोर्ड की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि इसके मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम होगी। हमने दो स्टेप इसमें फॉलो किए हैं आपको। पहला स्टेप हमने बताया था कि हमारी मशीन ऑन हो जाती है पर डिस्प्ले पे कुछ नहीं आता है, उसका क्या कारण होता है, उसका कारण हम दो स्टेप में इसको बता चुके हैं आपको। तो हम आपको तीसरे स्टेप में बताते हैं, तीसरा स्टेप है इसका मदरबोर्ड की समस्या है, वो ही हम इसको खोल के आपको दिखाएंगे। तो अब हम बोर्ड खोलते हैं इसका। बोर्ड खोलने से पहले हमें अपनी मशीन को बंद करना पड़ेगा फोर्सफुल्ली, इसको हम बटन दबा के बंद करेंगे, फोर्सफुल्ली बंद करनी पड़ेगी क्योंकि डिस्प्ले तो आ नहीं रहा है। थोड़ा कुछ सेकंड दबाने के बाद ही हमारी मशीन बंद होती है। ये हमारी मशीन अब बंद हो गया, तो इसको खोलते हैं। खोलने में हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि लैपटॉप खोलने से पहले सबसे पहले हमें बैटरी रिमूव करनी चाहिए। आप देखोगे इसकी बैटरी इंटरनल है, तो इसको पहले कवर को खोलते हैं। कवर खोल के ये बैटरी के, हम बैटरी पर आ गए हैं। बैटरी इसकी सबसे पहले यही काम होता है कि हम आपकी बैटरी, अपनी बैटरी को रिमूव करें कुछ भी करने से पहले। फिर ये हमारा मदरबोर्ड वाला हिस्सा आ गया है, इसको हम रिपेयर करेंगे, टेस्ट करके आपको बताएंगे कि ये कैसे, इसमें क्या फॉल्ट होता है, कैसे हम इसको चेक करते हैं। हमने अब निकाल लिया है रिपेयरिंग के लिए। अभी हमारे सेटअप पे बोर्ड आ चुका है जहाँ पे हम रिपेयर करते हैं, जहाँ पे हमारी मशीनें वगैरह लगी होती हैं। अब ये चिप लेवल का इसमें प्रॉब्लम है, कोई कंपोनेंट वगैरह खराब है। जैसा कि हमने बताया था, तीसरा जो फेज है वो मदरबोर्ड का है। आपके मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, कंपोनेंट आईसी वगैरह जो होती है उनमें प्रॉब्लम होती है। अब वही चेक करेंगे हम कि उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैपटॉप की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भेज देख रहे हैं। हमारी पावर कहाँ से सप्लाई जो है कि कहाँ पे नहीं बन पा रही है, कि रैम सेक्शन में प्रॉब्लम है या आपके सीपीयू सेक्शन में है, वही अब इसमें हम चेक कर रहे हैं। तो अब हमें फॉल्ट इसमें मिला है इसकी कोई आईसी में, तो वो चेंज करके एक बार देखेंगे। 100% नहीं होता कि भाई यही आईसी है, ये चेक करते हैं एक बार निकाल के। इस पे डाउट लगा इस कंपोनेंट पे, तो अब इसको निकाल के लगा के चेक करते हैं दूसरा कंपोनेंट। ये आप देखोगे ये आईसी इसकी निकली है, बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। अब इसमें हम दूसरी आईसी लगाएंगे। ये कंपोनेंट हम इसमें लगा रहे हैं जो निकला हुआ है, इसको लगा के हम चेक करेंगे अपनी मशीन को कि हमारी मशीन चलती है या नहीं चलती है।
ये हमने इसकी आईसी लगाई है। इसके दो तीन सपोर्टिंग कंपोनेंट भी होते हैं, वो भी हमें चेक करने हैं इस आईसी के पास में। ये इसमें कंपोनेंट बड़े ध्यान से लगाने पड़ते हैं हमारी मशीन पे, और हमें हीटिंग वगैरह एयर का प्रेशर सब कुछ सेट करना पड़ता है मशीन पे, नहीं तो आप क्या करोगे, जो हमारी हीटिंग और एयर का ये नहीं होगा, एयर प्रेशर सेट नहीं होगा और हीटिंग सेट नहीं होगी तो दिक्कत आने के चांस रहते हैं। तो ये अब हमने कंपोनेंट लगा के अब हम चेक करते हैं हमारी मशीन रेडी होती है नहीं होती है, डिस्प्ले चेक करते हैं हम उसका। हम चेक करते हैं अपनी मशीन को पैक करके। जैसा कि आपने देखा, हमने चौथे स्टेज में स्टेप में आपको बताया है, फोर्थ स्टेप में, कि हमारे लैपटॉप के जो प्रॉब्लम थी वो मदरबोर्ड में प्रॉब्लम थी। अब मदरबोर्ड इसका रिपेयर करने के बाद हम चेक कर रहे हैं, आपको दिखा देते हैं। हमारी मशीन ऑन हो गई है, डिस्प्ले वगैरह आ गया है, ऑन तो पहले भी होती, जो डिस्प्ले नहीं आ रहा था वो डिस्प्ले आ गया है। हमारी मशीन बिल्कुल रेडी हो गई है। यदि आपके पास भी कोई ऐसा लैपटॉप हो HP का और उसमें प्रॉब्लम आ रही हो कि डिस्प्ले नहीं आ रहा हो, डेड हो, या कीबोर्ड की स्क्रीन वगैरह कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सूरज कंप्यूटर्स पर आ सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। धन्यवाद।